नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय अपने ही खेत में, ग्राम रानूखेड़ा, पोस्ट कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद में। आज जो है अंबर डिलाइट की खुदाई चल रही है हमारी, तो अंबर डिलाइट आपको दिखाते हैं कि अंबर डिलाइट कैसा निकल रहा है। अभी तक जितने आलू खोदे हैं उसमें सबसे जो है बेस्ट रिजल्ट इसका दिख रहा है। अभी तक ख्याति खुद चुका है, गौरव खुद चुका है, हाईलैंड खुद चुका है, संगम खुद चुका है, G5R खुद चुका है, चिपसोना खुद चुका है, ख्याति खुद चुका है, नीलकंठ खुद चुका है। तो इतने आलू खुद चुके हैं और सब में आलू में जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है इसका देखने को मिला। इसका आप साइज देखिए, ये सेम डेट का गड़ा हुआ है। जो आपने चिपसोना देखा था, इसके बगल में ही चिपसोना था, चिपसोना के बाद ये लगा हुआ आलू था। तो चिपसोना कैसा निकला, G5R कैसा निकला और हाईलैंड कैसा निकला था, इसमें देखो साइज देखो आप। ये साइज छर्री का कहीं नाम नहीं है और सब एक साइज आलू है। और ये आलू जो है इसकी बेल हमने कटाई नहीं थी, ये बेल चली गई थी 80 दिन में। इसकी बेल मतलब जाना चालू हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो इस वजह से हमने इसकी बेल जो है नहीं कटाई, क्योंकि इसमें क्या लगा कि जाने ही लगी है तो इसमें क्या करें। लेकिन ये उतने ही दिन में जो है आलू पूरा हो जाता है। तो साइज बहुत प्यारा है, कोई इसमें चटका फटका नहीं है, देखो आप, और कोई छर्री का इसमें दाना नहीं है। ये आलू जो है मजबूत आलू है, हाइब्रिड में जो है मजबूत आलू है एकदम। जो बाकी आलू हाइब्रिड होते हैं उनमें मजबूत आलू है, भारी आलू है ये। और इसमें ये काटने में जो है ये क्रीम कलर है, क्रीम कलर है। और जो हाइब्रिड आलू आते हैं उनमें सब में मजबूत है और कोई हरा फरा नहीं है। जबकि हमारे आलू जो है थोड़े से ऊपर लग गए थे, तो कुछ आलू ऊपर को चलते हैं, जो ऊपर को चले आलू वो तो जो है हरे हो गए ज़्यादा, और इसमें देखो कोई हरा नहीं है। पैदावार भी इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से और आलू से बेटर निकलेगी, जैसे आलू पड़े दिख रहे हैं वो हिसाब से। और ये बेल और सब सेम डेट की, ये वही 1 नवंबर का गड़ा हुआ है आलू, और दूसरे भी 1 नवंबर के गड़े हुए आलू हैं। तो उसमें पैदावार आपने देखी और इसमें पैदावार आप देख सकते हैं कि क्या है। साइज वाइज बहुत बढ़िया है इसका, रंग रूप बहुत बढ़िया है इसका। ये कोई इसमें मतलब दाने ज़्यादा पैसे नहीं है, और एक साइज़ के दाने हैं लगभग। बेल इसकी अपने आप ख़त्म हो गई थी, ये देखो इधर भी। कुछ एक आलू ऐसे हैं बड़े बड़े, लेकिन चटका फटका कुछ नहीं है। उसी खेत, इसी खेत में सुख्याति जो है चटका निकला, और ये आलू में देखो एक शायद कहीं पे फटा फटा कोई मिल जाए, अलग बात है, और वैसे नहीं है। ये देखो वैसे हैं आलू सब। ये देखो एक फटा आलू दिख गया, ये इसमें ये आलू है फटा एक, और इस पे ये चिपसोना जैसा जाल भी है, देखो ये देखो। तो हाइब्रिड में मजबूत आलू है और कम दिन में जो है ये हो जाएगा, ये 80 दिन में पूरा आलू हो जाता है ये, क्योंकि 80 दिन के बाद बेल जो है इसकी ख़त्म होने लगी थी अपने आप। देखो साइज देखो, ये ऐसा लग रहा है कि छट्टा भर रहे हों, ये छांट छांट भर रहे हों, और ऐसा नहीं इसमें, ये देखो सब ऐसा लग रहा है सब छट्टा है, एकदम छट्टा हुआ आलू, और ये बीन ही रहे हैं, कोई छट्टा बीजा नहीं कर रहा है, ये देखो सीधा ही बीन बीन के डाल रहा है ये। कोई ये कहे कि मतलब छपरे में जो है छांट के रख दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो ये बीन रहे हैं, ये देखो
बिल्कुल ऐसा लग रहा छट्टा है, तो इसमें छर्री का तो नाम ही नहीं है, मतलब वेस्टेज इसमें आलू में बहुत कम है। हाइब्रिड आलू को लेके जो है, हाइब्रिड में जैसा कुछ हरा निकलता है, कुछ चटका निकलता है, कुछ ये निकलता है, वो सब इसमें कुछ नहीं है। ट्यूमर देखो आप आलू के, ये देखो मशीन के पीछे दिखा देते हैं आपको, मशीन के पीछे तो वही दिखता नहीं है, इतनी ज़्यादा वो होती है कि धूल उड़ती है उसमें कि दिखता नहीं है, तो इससे बेटर तो इधर ही दिखा दे तो ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद जो है वो 5174 है, और मुझे लग रहा है कि 5174 का जो है रिजल्ट इससे भी बेटर मिलेगा, क्योंकि वो हमने खोद के ही देखा था, तभी उससे मुझे लग रहा था कि 5174 का रिजल्ट इससे बेटर मिलेगा। कोई चेचक वेचक नहीं है इसमें बिल्कुल भी, केवल बस इतना है कि बेल जो है इसकी जल्दी गई थी। इसके बाद आगे जो है अब बचा है 5174 बचा है और गंगा बचा है, दो आलू बचे हैं सिर्फ, और बाकी जो है वो खुदाई हो गई। तो अभी तक जो आलू खोदे हैं उसमें सबसे वेस्ट आलू ये है, ये देखो ये आलू चलता है नीचे को थोड़ा, इसीलिए इसमें हरा कम हुआ, और जो आलू थोड़े से ऊपर को लगते हैं जैसे 5174 है, 5174 जो है ऊपर को लगता है थोड़ा सा, और 5174 इससे मजबूत कम है, मजबूती में ये ज़्यादा है, वजन में ये ज़्यादा बैठेगा, ये आलू भारी दिखता है, ये देखो ये आलू भारी है, ये देखो साइज देखो बड़ा बढ़िया, देखो 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 सब ऐसा ऐसा लग रहा है सब छट्टा निकल रहा, जो भी छोटा आलू है वो ये है, इसमें इससे छोटा आलू है नहीं, ये देखो छोटा आलू जो है वो ये है, इसमें किर्री विर्री बिल्कुल भी नहीं है, किर्री तो एक भी है ही नहीं। देखो कितना सुंदर है एकदम, एक दाना दिखा, ये चेचक है इसमें देखो, तो ऐसा एक आध दाना हो सकता है इसमें हो कहीं पे, और बाकी कम टाइम में करने के लिए ये, और मेरे ख्याल से इसकी खुदाई मैंने खोद के देखा था उस टाइम पे, इसकी खुदाई कच्चे में भी हो सकती है, जो 70 दिन में खुदाई करते हैं 70 दिन में इसकी खुदाई आराम से कच्चे में हो जाएगी और बढ़िया रिजल्ट देगा ये। बाकी आलू जो खोदे उसमें किसी में, मतलब इसके बाद अगर किसी दूसरे आलू को देखें बढ़िया सुंदरता में साइज में उसमें, तो वो ख्याति ही था, ख्याति के बाद फिर ये आलू जो है मिला जो जिसने बढ़िया रिजल्ट दिया, और बाकी आलू निकलने में ज़्यादा हैं लेकिन उसमें कहीं छर्री है, कहीं साइज नहीं है, कहीं ऊपर नीचे है, ये सब समस्याएं सब में ही होती हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। ये देखो छर्री के दाने, छर्री तो है ही नहीं, जो मतलब छोटा आलू है वो साइज ये है, जो कि आपका बेस्ट साइज एक भी नहीं है इसमें, ये देखो। इसमें घास इसीलिए हो गई थी क्योंकि इसमें ना तो दवाई पड़ी है और ना इसकी बेल काटी गई, क्योंकि बेल इसकी अपने आप खत्म हो गई थी, वही 85 दिन में जब दूसरी जगह काटना, इधर तो 80 दिन में ही बेल कट गई थी, तो जो काटना शुरू किया बेल को तो इसमें बेल जाने लगी थी, तो सोचा इसको क्या काट के करेंगे, मतलब इसकी बेल जा ही रही है, तो इसकी बेल वही जब तक सबकी बेल काट कूट की इकट्ठी करी तो इसकी बेल तब तक अपने आप चली गई थी, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन में जो है बेस्ट रिजल्ट इसमें दिख रहा है। और सिर्फ हम ही नहीं, ये लोग जो खुदाई बिनाई कर रहे हैं ये सारे लोगों को कहना यही है कि ये आलू जो है वो मतलब अभी तक जितने खोदे हैं उनमें सब में अच्छा आलू निकला ये। ये देखो इशरत भाई हैं, बताओ भैया तुमने सारे आलू खोदे हैं अभी तक के, तुमको कौन सा आलू पसंद आया अभी तक? अभी तुम्हारे पास भी आएंगे, अभी ये आलू तुमको सबसे बढ़िया लगा? अच्छा, ये मतलब किस वजह से तुमको ठीक लगा ज्यादा? उसका साइज बढ़िया है, कोई रोग नहीं है, वजन बढ़िया है। अच्छा,
छट्टा ऐसा लग रहा है जैसे तुमने छट्टा भरा हो। इंतजार ना तुम्हारा नाम आए निसार। ये निसार भाई है, बताओ भैया तुम्हें कौन सा आलू अच्छा लगा अभी तक? जो भैया जो आलू बहुत बढ़िया लगा, और ना तो चटका है ना फटा है और ना हरा है, इसमें ना हरा है, बढ़िया बिल्कुल नीचे निकाल देते हैं क्या करें। और गुल्ली बुल्ली नहीं है कोई? सो कुछ नहीं, कोई गुल्ली बुल्ली नहीं है। ये देखो डायरेक्ट छांट के भर रहे हैं, ये मतलब एकदम सब ऐसा लग रहा है छट्टा आलू है। और जबकि ये हाइब्रिड आलू में गिना जाता है, ये हाइब्रिड आलू में गिनते हैं इसको, ये हाइब्रिड आलू है। तो हाइब्रिड आलू के हिसाब से ये जो है आलू मुझे भी अच्छा लगा, और ये बाकी लोग जो खुदाई कर रहे हैं इनको भी सबको, ये तो सारे ही आलू यही खोद के आए हैं, तो इनको भी यही आलू जो है बेस्ट लग रहा है। अभी हो सकता है अभी दो वैरायटी और खोदने के बाकी हैं, 51, 74 और गंगा, उसमें देखो क्या रिजल्ट आता है, वो इसके बाद बताएंगे।